उसकी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, अब दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। कोई नहीं एक दूसरे से कम हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। विधि का विधान यही है, दुनिया की रश्म है मुट्ठी भर सी नींद सी होती है बेटियां। सबसे पहले मैं बेटियों के लिए और आज की जो बेटियां उनके लिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ बेटियों के लिए। मेरे पास बहुत सी ऐसी बेटी बहने और लेडीजें आती हैं जो कि कहती हैं कि दीदी मेरे पति बहुत ही अब्यूज करते हैं, मेरे लिए बहुत ही गालियां देते हैं और सास मेरे लिए दहेज के लिए प्रताड़ित करती है, और ननद जो है मेरी वो बिल्कुल नौकरानियों जैसा मुझसे व्यवहार करती है, क्या मैं क्या करूं दीदी, मुझे कोई हल बताइए। मेरे घर पे मुझे पास में मेरे घर में लेडी से मुझसे आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अपना चैनल बनाऊं और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, तो इसलिए मैं इस चैनल पे काम कर रही हूं। मैं उन माताओं उन बहनों से कहना चाहती हूं जो बहनें अपना बहुत सब कुछ झेलती हैं और इतना सब कुछ झेलने के बाद सब कुछ चुप रह के सह लेती हैं जिससे कि वो सॉरी गाइस आवाज़ आ रही है इग्नोर कीजिएगा, और अपनी किस्मत मानकर सब कुछ सह लेती हैं। मान सबसे पहले तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पे खड़ी हों, छोटा मोटा काम करें जिससे कि वो थोड़ा अपना कमाने लगे, जिससे कि वो अपनी परवरिश अपने बच्चों की परवरिश और अपना रहन सहन अच्छा कर सकें, जिससे उनके लिए कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार फिर ज़्यादा वो टाउचर नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर वो कमा नहीं सकती, बच्चे हैं उनकी केयर करना है, तो मैं उन माता बहनों से ये बात कहना चाहूँगी कि अगर मान लो पति कुछ नहीं दे रहा है आपके लिए तो कम से कम दो टाइम का खाना तो दे ही रहा है, अगर दो टाइम का खाना दे रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए आप सबसे गरीब हैं, हम सबसे ज़्यादा बिल्कुल नील हैं और कम से कम पेट तो भर ही रहा है आपका, तो और अपना जो टाइम है वो अपने बच्चों में लगाइए, अपने बच्चों सारी जो भी टाइम है अपने बच्चों में लगाइए, उनकी परवरिश करिए। ये आपके सबसे बड़ा जो काम है यही है कि अपने बच्चों की परवरिश उन्हें अच्छे संस्कार दो ना, उनकी परवरिश अच्छे से करना, वो अपनी स्टडी अच्छे से करे, प्लस जो भी और रही बात एब्यूजिंग की, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंसान जितना सहता है सामने वाला उतना ही उसे टॉर्चर करता जाता है। मान लीजिए अगर आपने एक दिन सह लिया अकला सामने वाला, फिर दो बार दूसरी दिन आपको फिर प्रहार करेगा, तीसरी बार अगर दो बार सह लिया कि तीसरी बार वो डबल करके आपको टॉर्चर करेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ अगर मान लीजिए आपका परिवार ऐसा है या फिर हस्बैंड ऐसे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पड़ोसियों को बुलाइए, पुलिस का सहारा लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी ऐसे लोगों के लिए एक्शन लीजिए आप लोग। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इस तरीके से सामने वाले की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वो पर डे आपको टॉर्चर करता ही जाएगा। वो इस बात से नहीं डरता है कि वो ये सोचता है हम सामने वालों को तोड़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचता है कि ऊपर वाला भी कोई चीज़ होता है, क्योंकि उस कर्मों का हिसाब तो हर जगह देना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए ऊपर वाला भी तो देगा, वो देगा ही, लेकिन इस समय आप पे बीत रही है तो आप समाज को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, सहारा लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के टॉक्सिक जो लोग हैं बिल्कुल भी उनकी बदतमीजी बर्दाश्त मत कीजिए। और फिर भी आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए एक छोटा सा पत्थर है वो आपके सर पे बार बार गिर रहा है, एक बार गिर रहा है, दो बार गिर रहा है, तीन बार, क्योंकि आपका शरीर तो है वो एक बार में घायल नहीं करेगा, दूसरी बार करेगा, दूसरी बार में अगर नहीं कर सका तो वो तीसरी बार करेगा, लेकिन ऐसे लोगों के टॉर्चर जो है वो एक दिन वो आपको
छोटा सा पत्थर भी बहुत बड़ा पहाड़ लगने लगेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप खुद से काम कीजिए। सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद और टॉक्सिक जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ही अब्यूजिंग है, तो आप छोटा सा काम कीजिए अपना, पढ़ाई थोड़ी बहुत बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए, बाहर जाके थोड़ा बहुत काम कीजिए, जिससे कि आपके अच्छे से परवरिश बच्चों की अच्छे से हो सके, आपका ये टॉक्सिक रिश्ता जो है वो सही से चलने लगे। और लास्ट में मैं यही कहना, खाली सा अगर आपके पास खाली टाइम है तो किताबें पढ़ लीजिए, अपने आप को धर्म में लगाइए। जो आपका धर्म है उसी हिसाब से अपने धर्म में मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारे जाइए, लेकिन जाइए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। क्योंकि अगर जब इंसान अपने धर्म से जुड़ जाता है, अपने ईश्वर गॉड से जुड़ जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा मजबूत बन जाता है। अब मजबूत बनने के बाद तो फिर उसे कोई तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कब तक तोड़ेगा कोई इंसान। और मान लीजिए आपका कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, तो आप अकेले जीना स्टार्ट कीजिए, अकेले अपना जीना स्टार्ट कीजिए, अपना काम कीजिए थोड़ा बहुत भी, और काम करने के बाद में जो टाइम मिले बच्चों के लिए लगा लिए, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ही कि ऐसे सास ससुर या ननद के साथ में, देवर के साथ में उठोगे बैठोगे, वो लोग आपको उतना ही टॉर्चर करते जाएंगे। और ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए मैं नहीं मानती कि ऐसे लोग बैठने उठने के काबिल भी होते हैं। और सब कुछ छोड़ने के बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों को फेस कीजिए। अगर कोई एक मारता है तो आप बंदे में अगर उसे जवाब भी देती है तो उसे लगेगी कि हाँ ये इंसान मजबूत है। अगर आप उसका सहती जाओगी तो फिर